नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दी जा रही है जो कि आयोग के द्वारा है। ये जो BPSC का एक जो वैकेंसी आया था, आप सभी जान रहे हैं, 1 महीने पूर्व ये वैकेंसी आई थी। इस वैकेंसी में आपको नगर विभाग, विकास एवं आवास विभाग है जो बिहार सरकार का, उसके लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए 286 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने क्रिएट करके रखी थी। तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी 10 फरवरी तक भरा जाना था, वो क्लोज भी कर दिया गया था। वापस से उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रीओपन किया गया है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है रीओपन किया गया है ये उन्हीं के लिए है जो लोग 10 फरवरी तक उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपने 10 फरवरी तक करा लिया है, बट आप पेमेंट नहीं कर पाए थे या फिर अन्य जो प्रोसेस था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, सिर्फ उनके लिए पोर्टल खोला गया है। फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। 10 फरवरी तक अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, तब आप फर्दर जो पेमेंट है जो कि 10 तारीख तक कर दिया जाना था, उसका डेट एक्सटेंशन किया गया है। मतलब पेमेंट के लिए डेट, ये एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उसको खोला गया है, और फर्दर जो भी आपको जो अदर प्रोसेस थे उसको कंप्लीट करने के लिए ही बस गेटवे ओपन किया गया है। तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। जो पेमेंट करने का लास्ट डेट था वो 10 फरवरी था, अब उसको बढ़ा करके 25 फरवरी कर दिया गया है। उसके बाद पेमेंट एवं करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फाइनल सबमिशन जो आपको करना है, उसके लिए आपको डेट दे दिया गया। जो पहले में इसका जो डेट था ये 17 फरवरी तक था, अभी इसका 4 मार्च तक आपका डेट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मैं एक कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें भी आपको बता ही दे रही हूँ। 24 फरवरी तक तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए था, उसका भी डेट एक्सटेंड कर दिया गया, 8 मार्च तक कर दिया गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, बात करें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, एग्जामिशन का फॉर्मेट क्या हो, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो अभी पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा था बट आप पेमेंट नहीं कर पाए थे, क्योंकि लास्ट डेट में जैसा कुछ स्टूडेंट्स लोग बताए थे कि टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, पेमेंट गेटवे काम ही नहीं कर रहा था, करीब करीब 1 दिन पूरा नहीं काम किया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए ही, और कुछ एक लोगों का रिक्वेस्ट, जिसमें कि मेरा भी रिक्वेस्ट शामिल था कमीशन से, मेरे भी स्टूडेंट्स गए थे खुद के, कि जो पोर्टल है इसको खोला जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आयोग ने कंसिडर किया है और डेट को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। जो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद फॉर्म को जो फाइनल सबमिशन करना है वो कर लेंगे, और उसको हार्ड कॉपी को 8 मार्च तक भेजेंगे। पहले में ये डेट आपको 24 फरवरी तक था। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब करीब जो जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें कि कुछ कुछ एक जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने बताया था कि मैम जो फाइनल सबमिशन था उनका अराउंड 30,000 से प्लस हो चुका है, और जो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया, अगर उनकी नंबर को हम लोग काउंट करते हैं तो अराउंड 42,000 लोग स्टूडेंट्स हैं जो, जिसमें कि अभी जिनका अभी कंप्लीशन होना बाकी है। और अगर हम अभी जो जिस जैसा कि डेट बढ़ चुका है उसके अनुसार अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो आप लोग में भी अगर कोई नहीं कर पाए होंगे तो उसको पहले फिलअप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, और जो आपको कितने नंबर ऑफ जो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स अपियर होने वाले उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि जो मेरा जो अभी क्लास रन कर रहा है पेपर 2 का, ये अगर नेक्स्ट मंथ में हो, मिड में या फिर 3rd वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो उस समय मैं आपको इसका नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर पाऊंगी। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।